एक दिन जब मसीह यीशु शिक्षा दे रहे थे, फरीसी तथा व्यवस्थापक जो गलील तथा यहूदिया प्रदेशों तथा यरूशलेम नगर से वहां आए थे, बैठे हुए थे। रोगियों को स्वस्थ करने का परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य मसीह यीशु में सक्रिय था। कुछ व्यक्ति एक लकवे के रोगी को बिछौने पर लिटाकर वहां लाए। ये लोग रोगी को मसीह यीशु के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। जब वे भीड़ के कारण उसे भीतर ले जाने में असफल रहे, तो वे छत पर चढ़ गए और छत में से उसके बिछौने सहित रोगी को मसीह यीशु के ठीक सामने उतार दिया। उनका ये विश्वास देख मसीह यीशु ने कहा, वत्स, तुम्हारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं। फरीसी और शास्त्री अपने मन में विचार करने लगे, कौन है ये व्यक्ति जो परमेश्वर निंदा कर रहा है? भला परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये जानते हुए कि उनके मन में क्या विचार उठ रहे थे, मसीह यीशु ने उनसे कहा, आप अपने मन में इस प्रकार के तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं? क्या कहना सरल होगा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए या उठो और चलो? किंतु इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं लकवे के इस रोगी से कह रहा हूं, मेरी आज्ञा है, खड़े हो जाओ, अपना बिछौना उठाओ और घर जाओ। उसी क्षण वो रोगी उन सब के सामने उठ खड़ा हुआ, अपना बिछौना उठाया जिस पर वो लेटा हुआ था और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए घर चला गया। सभी हैरान रह गए, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। श्रद्धा से भर कर वे कह रहे थे, हमने आज अनोखे काम होते देखे हैं,